जी हाँ दोस्तों, आप सभी को 2011 का वर्ल्ड कप तो याद ही होगा। इसमें श्रीलंका बनाम भारतीय मुकाबला देखने को मिला था फाइनल मैच में, जहां पर भारत ने जीत दर्ज करी थी। धोनी का वो यादगार छक्का कौन भूल सकता है जो उन्होंने लगाया था। उसी छक्के की बदौलत धोनी ने जीत दिलवाई थी 2011 के वर्ल्ड कप मैच में। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री ने आरोप लगाया था कि 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच जो भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था वो फिक्स था। अब इसको लेकर श्रीलंका की सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मैच फिक्स होने के दावों को लेकर क्रिमिनल जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सचिव KDS जुवान चंद्रा ने कहा कि इस मामले को लेकर एक जांच शुरू हो गई है। इसकी जांच खेल से जुड़े मामलों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। सामने आएगा सच कि आखिर 2011 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला हुआ था श्रीलंका वर्सेस इंडिया का, क्या वो सचमुच फिक्स था? क्योंकि जिस हिसाब से मैच में रुचि बनी हुई थी और इंटरेस्टिंग मैच बन रहा था उस दिन, शायद ये नहीं कहा जा सकता कि वो मैच फिक्स था। लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप का मैच था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिक्स होने के मामले शायद लाजमी हो सकते हैं। क्या जांच के बाद कुछ नतीजा निकल कर आएगा कि ये मामला फिक्स था? लेकिन आप सभी को बता दें, 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को हराया था। भारतीय टीम के लिए ये एक काफ़ी अच्छा अनुभव था, क्योंकि 28 साल बाद भारत वर्ल्ड कप जीता था। उस फाइनल मुकाबले को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिसमें भारत ने जीत दर्ज कर थी। श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदानंद अलुथगमगे ने खुलासा करते हुए कहा था कि 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स था। आप सभी को बता दें, अलुथगमगे ने श्रीलंका के न्यूज़ आउटलेट न्यूज फर्स्ट से कहा था कि 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स्ड था और अपनी बातों पर कायम भी थे। वो कह रहे थे कि मैं इस पर 100% खरा उतरता हूँ कि वो मैच फिक्स था। यह जब हुआ था तब मैं खेल मंत्री था, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक कि डिबेट के लिए भी आगे आने के लिए तैयार हूँ। हालांकि देश की खातिर पूरी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। भारत के खिलाफ 2011 वर्ल्ड कप मुकाबला जो हम जीत सकते थे वो फिक्स था। श्रीलंका वर्सेस इंडिया का मुकाबला हुआ था, मैच देखने के बाद सभी ये नहीं कह सकते थे कि मुकाबला कहीं से फिक्स लग रहा था। जिस हिसाब से धोनी ने छक्का लगाया, जिस हिसाब से मैच में इंटरेस्ट बना हुआ था, वो मैच कहीं से फिक्स नहीं लग रहा था। और 9 साल बाद अब ये सवाल क्यों उठ रहा है कि वो मैच फिक्स था? अगर ये जब उस समय खेल मंत्री थे तो उस समय सवाल क्यों नहीं उठाया था कि वो मैच फिक्स था, और उस समय ये खुलासा हो जाता कि वो मैच फिक्स था, दोबारा से होना चाहिए था या फिर उसमें कुछ बड़े बदलाव होने चाहिए थे। आप सभी को बता दें, हालांकि श्रीलंका के पूर्व दिग्गज और उस फाइनल मुकाबले में शतकीय पारी खेलने वाले महिला जयवर्धन बेहतरीन बल्लेबाज है, जो उन्होंने इस आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। महिला जयवर्धन इस बात से खुश नजर नहीं आए थे और उन्होंने निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया था। उन्होंने अलुथगमगे को निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, क्या चुनाव आने वाले हैं? ऐसा लग रहा है कि ये सर्कस फिर शुरू हो गया। कोई नया नाम या नया सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसी बीच हमें कुछ और ट्वीट्स का मामला देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी को लगता है भारत श्रीलंका का मुकाबला 2011 वर्ल्ड कप का फिक्स था? किसी भी एंगल से आपको फिक्स लग रहा था? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ 2011 वर्ल्ड कप के कुछ मोमेंट अगर आप अपनी यादों हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।